हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल सॉल्व स्टूडेंट असेसमेंट सेट 3 दिसंबर 2021 क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। टाइम 60 मिनट्स, मार्क्स 20। इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 13 कैरीज 5 मार्क्स। नाउ 1 to 5, सही उत्तर का चयन करके लिखो। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1, शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बटा हुआ था? 2 गुटों में, 3 गुटों में, 4 गुटों में, उपरोक्त सभी। इंटू हाउ मैनी फैक्शंस वॉज द वर्ल्ड डिवाइडेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? इन 2 ग्रुप्स, इन 3 ग्रुप्स, इन 4 ग्रुप्स, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, शीत युद्ध के दौरान जो है वो विश्व 3 गुटों में बटा हुआ था। नंबर 1 वेस्टर्न ब्लॉक, नंबर 2 ईस्टर्न ब्लॉक, नंबर 3 नॉन अलाइंड यानी न्यूट्रल कंट्रीज। वेस्टर्न ब्लॉक को अमेरिका लीड कर रहा था, ईस्टर्न ब्लॉक को जो है सोवियत संघ लीड कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, नॉन अलाइंड यानी न्यूट्रल कंट्रीज, इन 3 गुटों में जो है विश्व बटा हुआ था शीत युद्ध के दौरान। तो इन 3 ग्रुप्स जो है वो राइट आंसर है। पूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सन 1990 में, सन 1991 में, सन 1992 में, सन 1993 में। वेन वॉज द फॉर्मर सोवियत यूनियन डिस इंटीग्रेटेड? इन 1990, इन 1991, इन 1992, इन 1993। तो स्टूडेंट्स, पूर्व सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। बी ऑप्शन इन 1991 जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 3, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। विच कंट्री स्पेंड्स द मोस्ट ऑन डिफेंस इन द वर्ल्ड? इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका स्पेंड्स द मोस्ट ऑन डिफेंस इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन 4, भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? 1 दिसंबर 2009 को, 1 जनवरी 2010 को, 1 जनवरी 2009 को, 1 सितंबर 2010 को। When was the free trade agreement between India ASEAN come into force? On 1st December 2009, on 1st January 2010, on 1st January 2009, on 1st September 2010। तो स्टूडेंट्स, ऑन 1st January 2010 ये आपका राइट आंसर है। द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया आसियान कम इन टू फोर्स ऑन 1st January 2010। नाउ क्वेश्चन 5, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ सार्क? ए इंडिया, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी रशिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। ये राइट है, भारत। नाउ क्वेश्चन 6 to 9, इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखो। राइट आंसर इन 1 to 2 वर्ड्स। शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को, जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो जो उनके बीच जो है ये समझौता हुआ था। तो शिमला एग्रीमेंट साइंड हुआ था 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच।
नाउ क्वेश्चन 7, एशिया का रोगी किस देश को कहा जाता था? विच कंट्री वॉज नोन एज द पेशेंट ऑफ एशिया? करेक्ट आंसर इज चाइना. क्वेश्चन 8, किस वर्ष में आतंकवादियों ने विश्व व्यापार केंद्र को धराशायी किया था? इन विच ईयर टेररिस्ट डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टेररिस्ट ने 11 सितंबर 2001 में डिस्ट्रॉय किया था. तो आतंकवादियों ने विश्व व्यापार केंद्र को 11 सितंबर 2001 को धराशायी किया था. नाउ क्वेश्चन 9, बर्लिन की दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था? व्हाट डिड द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइज? तो स्टूडेंट्स, बर्लिन की दीवार का गिरना था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो है वो यूनाइट हो गए थे, तो जर्मनी की यूनिफिकेशन का, जर्मनी की जो एकता का जो है ये प्रतीक था, फॉल ऑफ बर्लिन. तो व्हाट डिड द फॉल ऑफ बर्लिन सिंबलाइज? द फॉल ऑफ बर्लिन सिंबलाइज जर्मनीज यूनिफिकेशन. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 और 13 आप स्वयं कर लें. हमने आज क्वेश्चन नंबर 1-9 सॉल्व किए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.